खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। महू के शासकीय भेरूलाल पाटीदार महाविद्यालय में NSUI ने हंगामा करते हुए नारेबाजी कर कहा कि लगभग 50 विद्यार्थियों को कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। NSUI का कहना है कि महू विधायक उषा ठाकुर द्वारा कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। यह आरोप NSUI के महू विधानसभा उपाध्यक्ष विवेक मीणा ने कहा कि विधायक उषा ठाकुर के दबाव में कॉलेज प्रशासन द्वारा एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। विधायक द्वारा कॉलेज प्राचार्य को फोन कॉल कर एडमिशन नहीं देने का दबाव बना दिया है, जिसे लेकर कॉलेज परिसर में NSUI द्वारा कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा मचाया। आगे बताया कि कॉलेज प्रशासन द्वारा 50 विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं दिया है और यदि कॉलेज प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं दिया और हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो कॉलेज परिसर में बैठकर भूख हड़ताल की जाएगी। NSUI ने इसको लेकर रूपरेखा भी अभी से तैयार कर ली है। ये लोकल बच्चे हैं, 50 बच्चे जो एडमिशन से वंचित है। इस विषय में 8 दिन पहले भी प्राचार्य को ज्ञापन दिया था, कोई सुनवाई नहीं, और मंत्री उषा ठाकुर जी के दबाव से प्रिंसिपल के पास फोन आ रहे हैं। कम प्रतिशत वाले बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं और हमारे जो बच्चे बचे हैं 50 बच्चे उनके अभी तक वो एडमिशन से वंचित है। जो जिन्होंने यहाँ से BSc करा उनको MSc तक नहीं मिल रहा है और यहाँ से बोला जा रहा है प्रिंसिपल द्वारा कि रहूँ जाओ, पीथमपुर जाओ, तो यहाँ के बच्चे वहाँ कैसे जाए और इतने सारे बच्चे बच गए और आखिरी तारीख है। अभी ज्ञापन के अंदर क्या आश्वासन दिया? ज्ञापन के अंदर हमने ये दिया कि सीट बढ़ाओ और इन बच्चों के एडमिशन होना चाहिए। सीटें बढ़ाते हो, एडमिशन नहीं होते, आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये रहेगा, मैं हजारों छात्रों के साथ भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा या उग्र आंदोलन करूंगा। इंदौर की मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।